औलाद वाली ने रोके दुखी थी अल्लाह मैं पत्थर खा के 313 बनाए ने कंडिया दे टुर के 313 लखी आया हूं अर्ज की थी अल्लाह जी आज ए मर गए कयामत तक तेरा नाम किसे नहीं लेना मेरे नबी सुदर दे नाल रहे सरकार दी कमली कंडिया टुटी के पई हजरत सिद्दीक अकबर ने आके जब मारे आ अर्ज की थी सुन रोना ओ वे खल्ला दी मदद आ गई ने ठंडी जी हवा चली मेरे नबी फरमाया कौन है आवाज आई इसराफील 1000 फरिश्ता लेके आया ठंडी जी आवाज चली फरमाया कौन है आख्या मिकाईल 3000 फरिश्ता लेके आया ठंडी जी हवा चली फरमाया कौन है आख्या जिब्राईल 5000 फरिश्ता लेके आया ठंडी जी आवाज चली फरमाया कौन है आख्या इजराइल मलकुल मौत आया मेरे नबी उठ के फरमा तू किधर आए तू ते जाना लेना ने कह लगा कमली वालिया बाकी इधर आए ने मैं उधर आया उखी में हाजिर नाजरे आइए मैं हाजरी ने बहुत शमे दे एक बड़ा मैं मुफसल वाक्य सुनाना अक्सर बाबा जी साहब सरकार दे जोड़ियां दे खैरात च बाली ने जदों नवा नवा इस्लाम दा आगाज किया ना ते कलमा पढ़ाया ते गरीब लोग कलमा पढ़े हजरत बिलाल हबशी हजरत सोहेब रूमी हजरत अम्मार बिन यासिर हजरत बीबी सुमैया यानी कि गरीब लोग कलमा पढ़े मेरे नबी ने फरमाया कि दीन शुरू भी गरीबों तो होया सी ते आखिर ते रह भी गरीबों ची जाएगा वाह गरीबों का पक्ष करने वाले अच्छा कैसा कैसा एक दिन ना हुजूर ने हाथ चुके ना रजवान साहब पेंच करके अर्द की थी या अल्लाह मैनू मिसकीना च रख मिसकीना च मौत देवी ते मिसकीना च उठावे माशर दे मैदान च क्या लुत्फ होने ने अमीरा च खलोता होना नबियां नबियां च खलोता होना नवादियां नवादियां च खलोता होना सखियां सखियां च खलोता होना हाजियां हाजियां च खलोता होना कमली वाले गरीबां च खलोते आना क्या उस वेले गरीबां दे मान होने जदों सोने आके गरीबां च खलो जाना वाह गरीबां दा पक्ष करन वालिया गरीब लोग कलमा पढ़ रहे थे अब जालो तकलीफ तो है पर थोड़ी कि गरीब लोग कलमा पढ़े कोई बात नहीं पर जिस दिन पढ़े ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कलमा अबू जाल दा लक्की टूट गया क्योंकि मक्के च दो डंडे सोटे वाले सन एक अबू जहल इहदा नाम सी अमर बिन हिशाम ते एक सी उमर बिन खत्ताब दो ही डंडे सोटे वाले सन पूरे मक्के जदों हजरत उमर फारूक ने कलमा पढ़िया ते अबू जाल दा लक टूट गया कि हुण ते उमर ने बिलाल नूं मैनूं नहीं मारन देना जितनी जल्दी मुमकिन होता मक्के पहुंच मैंने तेरे जरूरी काम है सुबह सुबह हबीब मक्के पहुंच गया अबू जाल ने मक्के दे बाहर उहदा इस्तकबाल किया तो कन्ना च रुई दे के कहन लगा जितने दिन मक्के रवे अपने कन्ना च रुई ना निकाली हबीब कहन लगा वजह की कहन लगा वजह तेन हवेली चल के दसांगे अबू जहल हबीब नु लेके हवेली आया ना ते हवेली च अबू जहल अबू लहब उतबा उतैबा शैबा अखनस बिन शरीक उमैया बिन खलफ सारे वड्डे वड्डे मक्के दे काफिरां दे चौधरी बैठे हबीब आके बैठा ते कहन लगा मैनू इतनी उजलत च इतनी जल्दी च क्यों बुलाया अबू जहल कहन लगा तू मेरा बिजनेस दा पार्टनर भी है ते मैं ते तू बचपन दे बेली ते यार भी हां मैं बड़ा परेशान हां यार यारां दे काम आंदे ने मेरी परेशानी तो दूर कर उन्हें पूछा परेशानी की अबू जहल कहन लगा साडे ना मक्के च नौजवान ने ते नाम है ओदा मुहम्मद हाय 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 हबीब नाम सुनया ते कहन लगा नाम तो बड़ा सोहना है अबू जहल कहन लगा पूरी गल ते सोहना अच्छा एक बारी सारे कहो मुहम्मद हुण सारे एक बारी आके जे अल्लाह 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 लखा साल भी अल्लाह अल्लाह करते रहो ऊपर वाला होंठ ऊपर रह जाता है नीचे वाला नीचे ही रह जाता है और रल के अर्द करिए या अल्लाह जे ऊपर ते नीचे वाले मिलना हो तो आवाज आवेगी अल्लाह अल्लाह कीत्या ते खबरे मुलाकात ना होवे पर मुहम्मद मुहम्मद कीत्या मुलाकात हो जाए हजरत जी कदे गौर कीता जे जदों लिखिए ना मुहम्मद ए मीम हा मीम दाल ऊपर मीम है ते नीचे दाल है ऊपर मीम ते नीचे दाल भाई ऊपर मीम है नीचे दाल है याला यार दा ना एवें दा क्यों बनाया है उत्तों आवाज आवेगी मीम मौला नाल मिली है दाल दुनिया नाल मिली है ए ओ मुहम्मद ए मौला कोलों ले जाएगा ते दुनिया नूं दई
ਮੀ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲੋ ਰੱਬ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਮਦੇ ਕੰਨ ਚ ਪਤਾ ਜ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੰਨ ਚ ਜ਼ਾਨ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਮਦੇ ਕੰਨ ਚ ਜ਼ਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ख्याल साहब मेरे थोड़े सौदे उस दिन हजूर ना लोगे सन और जिस दिन कन्ना च पहले दिन कमली वाले का नाम आया असी ते उस दिन ही विक गए सरकार दे नाम उते हुण ऐसे वास्ते असी ते विके होए आ ना ते जिहड़ा विके होवे ना मर्जियां ओदियां नहीं चलदियां मर्जियां मालकां दियां चलदियां ने साडे ते मर्जी सरकार दी चलनी क्योंकि असी विक गए पहले दिन साडा ताल्लुक नबी पाक ना हो गया साडे सारे साडी जान माल दे हजूर अलैहि सलात व सलाम मालिक बन गए ते मैं दा तर्जमा जे करया करना वा जेड़े दिन दा जेड़े दिन दा नाम तेरा मैं कलमे दे पढ़िया उस दिन दा रूह मेरी नो प्यार तेरे लुट खड़े आ उस दिन दा रूह मेरी नो प्यार तेरे लुट खड़े अबू जाल कहन लगा मेरी हवेली च बह के गल मुहम्मद दे नाल दी नहीं कर रही लगा के वजह की कह लगा के मुहम्मद ने 40 साल साढ़े च गुजारे ने ते एडे सोहने गुजारे असि उन्हें सादिक ते अमीन कहते रहे ਜੋਂ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਚ 360 ਬੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ वाह 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 पैसे सुट रहे माँ ने वाह 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 माशाल्लाह भाई आम हवता मरन दें दिया बंदे नो हाँ इन्हें मरन दें दिया अल्लाह ताला माँ जी तोड़ा साया साढ़े ते सलामत रखे अल्लाह मुरे खिजरी अता फरमाए बहुत शुक्रिया तोड़ी मोहब्बत दा हुन सुभान अल्लाह बोलो मैं तुहानू मुड़ वापस छोड़ा वहां बे मुर्शद बंदे नाल मैं कदे बोलिया ही नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह ਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਬੀਬ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਹਬੀਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮਿਨਹਾ ਖਲਕਨਾਕੁਮ ਵਫੀਹਾ ਨੁਈਦੁਕੁਮ ਵਮਿਨਹਾ ਨੁਖਰਿਜੁਕੁਮ ਤਾਰਤਨ ਉਖਰਾ दवाई भी दे लेना हकीम बंदा है भरिया का बंदा सियाना भी मुहम्मद नु समझा उन्होंने कह आजा रल मिल के कम चला लिए कद कद साडे खुदा दी तू पूजा कर लिया कर कद कद असि तेरे खुदा की इबादत कर लवेंगे अल्लाह ने फरमा लकुम दीन हुकुम वली दीन फरमा बाबू बिना कह दो तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते ते साडा दीन साडे वास्ते हबीब कह लगा ते गल ही कोई नहीं ਜ਼ਮਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਦਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬੂ ਜਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਮਾਦ ਆਇਆ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ इतना मेरे नबी ने पढ़िया तो जेड़ा दम करना सी ना बेदम हो गया
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੇਦਮ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਾਮ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹਬੀਬ ਹਬੀਬ ਕਹਿ ਲਗਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਖਰਪੋਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿ ਲਗਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿ ਲਗਾ ਬੁਲਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕਰੇਗਾ ਕੀ लगा करना की जो मुहम्मद ने आना मैं हकीम बंदा करीब बिठा के मैं ऐसा नबद पकड़नी ते मैंने पता चल जाना मसला की मैं दवाई देनी ते तेरे परेशानी दूर हो जानी अबू जाल कह लगा ना ना ओदा हाथ पड़ लिए गल मुक जांदी हबीब कह लगा वजह की कह लगा आई ते वजह है जिदा हाथ पड़ लवे ओदा हाथ रब दे हाथां च फड़ा दे कह लगा हाथ ना पकड़ी ओदा मुहम्मद ने आके मेरे कोल बैठना है मैं दो ही गल्ला मुहम्मद ना करनी ते मैनू दिमागी तवाज़ुन तो पता चल जाना कि मैं दवाई देनी ते तेरी परेशानी दूर हो जानी अबू जाल कह लगा ना ना ओदी गल सुन नहीं है गल मुक जांदी कह लगा बजा की है कह लगा आई ते बजा है एडिया मिठिया गल्ला कर दई गल्ला गल्ला की पत्थरा दुकल मैं पड़ा लेंदा हाथ चुको मैं पता लगे जूंदे जागदे नबी पाक दे नौकर शेखपुरा दी फिजा गूंजे फरिश्ते झुक झुक एक दूसरे नूं कहण आओ वेखो नबी दा मिलाद पे आउंदा सुनी सुभान अल्लाह कही जा रहे कह लगा दस जे मुठी बेच ए ए ए की है नबियां ते दस थोड़ा जे दस मुठी च की है अज कई वेली कलमा पढ़ के कहंदे नबी नूं दीवार दे पिछे दा नहीं पता ओ झलिया इन्हां ते अबू जाल नूं भी पता सी कि नबी दस लैंदा मुठी बेच सवाल दे विच ही जवाब है कहंदा जे नबियां ते दस मुठी बेच हजूर मुस्कुरा के फरमाया आखा दी नबूवत हुई कि मैं दसा मुठी च की है तो कह लगा नबूवत किनू कहंदे ने फरमाया नबूवत ए वे कि जो मुठी च ओह दसे मैं कौन आ ते अबू जाल हस के कहंदा जो मुठी च ओह ते बोलदा ही नहीं हजूर ने फरमाया लै फिर अज पिया बोलदा ही अबू जाल कहंदा हबीब मैं तेनू की दसा जदों मैं मुठी कन्न लगाई ना ते हाथ मेरा मुठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू ही पियां पुछदियां सन है ते असी भी पत्थरियां पर तू होरे किवें दा पत्थर सुभान अल्लाह तू होरे किवें दा पत्थर है पढ़ा कुरान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आ तुसी बोले नहीं ते पढ़ते मैं देना सी होर ऊंचा बोलो तुसी भाई सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादी ذلك फही अकल हिजारत औ असद कसौ अल्लाह ने रिजा फरमाया कुछ दिल होंदे ने जड़े पत्थरां नाल भी सख्त होंदे ने व इल्ला मिन अल हिजारत लमा यतफजर मिनहु अल अनहार व इल्ला मिन लमा यशक्क फयखरुज मिनहु अल وإن منها لما يهبط من خشية الله الله فرمان ده پتھرا چوں تے پانی نکل آوے پتھرا چوں تے چشمے نکل آواں تے او کیڑا پتھر ہو جدی اگ چ اتھرو سبحان اللہ او جدی اگ چ پانی نہ نکلے رب فرمان ده نال تے پتھر ہی چنگے جڑے رو پیندے نے ابو جال ہے تے پتھر سی پر پتھر کہن لگے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رے ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया सुभान अल्लाह क्या लगा गल ना करी नहीं ते गल मुक जानी अच्छा हुण मैं पढ़न लगा हाफ जी मैं वेख लगा तुहाडे शेखपुरे दा ज़ौक अगे भी वेखदा रहना ते बाद ही आ जाना शेखपुरे माशाल्लाह ते बड़े ज़ौक वाले हो मैं पढ़न लगा पत्थरां तो कलमे पढ़ा जानदा है जी 11 अक्टूबर नूं फिर आउणा लो जी हाफ जी कहते हैं 11 अक्टूबर फिर आना है तस्वीर महल रोड
आओगे थोड़े जे बंदे बोले ना बस सियाने लोगों के कहते ने कि वे लोगों के कद वे नहीं होंगे वे लोगों के दिल वे होंगे बिस्मिल्लाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वे लोगों के कद वे नहीं होंगे वे लोगों के दिल वे होंगे ने बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बैठे हूं बोलो सुभान अल्लाह बात किरदार की होती है बगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं ते पीर बाहू ने फरमा दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे वे चिश्के मुहम्मद दियां लहरा उन सोने दा नाम आवे सुभान अल्लाह या पे निकल दिए जिदे जिदे सीने चिश्के रसूल पे लहरा मार दा ना वो बोले सुभान अल्लाह उन सारे मिलके मेरे नाल पढ़िया बुजाल भी कहंदा होवेगा ओ पत्थरा तो कलमे बड़ा जानदा होए ते सुकी खजूरा उगा जान दाए ओ पत्थरा तुकल सोने दा बुंदा को बाली पहनी होवे ते कन गल जाए ना वो सोना उतार के रख दिंदी कहिंदी पट पवे सोना जिहड़ा कन्नां नूं गल ते मेरे बाबा जी फरमांदे सन पट पवे ओ जुबान जिहड़ी कमली वाले दी नां ते ना पड़े जिन्हों उनस नहीं कमली वाले दा ए हो जे इंसान नू की करना ते जड़ी जिक्र नहीं कर दी सोने दा ए हो जे जुबान में की करना हाथ खड़े करो जिन्हें नबी पाक दी नात पढ़नी बलब इत्थे इत्थे ही रखिया जे मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा कीता वाला हुण इत्थे ही लहरा के सारे मिल के पढ़िए ओ पत्थरा तू कलमे पढ़ा जानदा खजूरा उगा जान दाए ओड बे बेड़े करा जान दाए ओड बे बेड़े करा जान दाए ओड बे बेड़े करा एक बारी फिर पढ़िया जे ओ पत्थरा गल ना सुनी नहीं तो गल मुख जानी गल ना सुनी नहीं तो गल मुख जानी कह लगा ठीक है गल तो मैं सुननी नहीं मैं पर एक बारी बुलाओ तो सही अबू जाल कह लगा बुला देवा करेगा कि कह लगा हाथ पकड़ना नहीं तो गल मैं पर जब मुहम्मद ने आके मेरे कोल बैठना ना मैं एक बार इस तरह करके ना उदी महक सुंगनी है तो उस महक तो मैंने पता चल जाना मसला की फिर मैं दवाई देनी तेरी परेशानी दूर हो जानी अबू जाल उठ के चौधरियों को कहने लगा इन्हों कोई समझाओ हबीब आख्या हुण की होया कहने लगा तू झल्ला हो गया उन्होंने सुंगन की लोड़ केड़ी है
उत्ते मक्के दी जड़ी गली चो गुजर जावे अठ दिन खुशबू ही होदियां होदियां रहदियां हाय हाय हाय। जैसे साहब मैं ना मिठी जी रवायत एक सुनावा। एक ना बाबा आया मेरे नबी कोल ते कहन लगा सुबह बेटी दी शादी है ते को तोहफा ही दियो। नबी करीम अलैहि सलाम ने ना फरमाया बाबा आओ खजूर दी टहनी लेके आ। बाबा खजूर दी टहनी लेके फरमाया जाए कि शीशी लेके आ। बाबा शीशी लेके आया। नबी पाक ने उस टहनी दे नाल ना ऐसा करके बाजू मुबारक ते पसीने दा कतरा उतारिया ते उस शीशी च भर के फरमाया लै मुहम्मद दा पसीना लै जा ते बेटी नूं दे देवी ते जदों दुल्हन बन जाए ते अज उहनूं इत्र ते खुशबू ना लगावी मुहम्मद दा पसीना लगा देवी। हदीसे पाक जो दा बाबे दी बेटी दुल्हन बन गई ने नबी दा पसीना लगाया ओदा दामाद दूल्हा बन के आया ने नबी करीम दा पसीना लगा दिता। हदीसे पाक जी आंदा है उना दे घर वाली इशारा करके लोग कहंदे ने ए बैतुल मुत्तयबीन है ए खुशबूवां वालेयां दा घर है। उलमा फरमांदे ने दुल्हन ते दुल्हे च नबी दी खुशबू नहीं आउंदी अगों जड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों वी मुहम्मद दी खुशबू आउंदी। पर शेखुपुरा वाले गल इत्थे भी नहीं मुकी। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी तो 850 साल बाद पैदा हुए। कितने भाई सारे बोलो कितने 850 साल बाद। इमाम कस्तलानी फरमाते जब मैं वडेरा हो गया नबी पाक तो 900 साल बाद आप फरमाते ने मैं मदीना शरीफ गया ते मदीने दी गलियां च मैं उस दुल्हन दी नस्ल चो बच्चे वेखे उन्हां चो अजे भी हुजूर दी खुशबू आंदी सी। जिन्हों पसीने दा कतरा मेरा माही भेज देवे हजार साल तक उहदी नस्ल चो मुहम्मद दी खुशबू आउंदी। ते अबू जहल हबीब नूं कहण लगा उते जिस गली च गुजर जावे उसे जिस बच्चे दे सिर ते प्यार देवे ना अठ दिन उस बच्चे दे वालां च मुहम्मद दी खुशबू आंदी रहंदी। हबीब कहन लगा अच्छा पर एक बारी बुलाओ तो सही। कहन लगा बुलावांगा करेंगा की। कहन लगा हाथ नहीं पकड़ांगा गल नहीं करांगा ते मैं खुशबू सूंघनी नहीं पर जदों ओ ओ ओ दरवाजे च मुहम्मद ने अंदर आना ते मैं एक बारी अख पा के उहदी अखे च वेखना ना ते मैनूं अख दे रंग तो पता चल जाना मसला की ते मैं दवाई देनी तेरी परेशानी दूर हो जानी। अबू जहल कहन लगा चलिया उहदी अखे च वेख लईए ते गल ते उंजी मुक जांदी। उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं या इंज कहां कि उहदी हाथ विच कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं है। कहन लगा उहदी अख उहदी अख कहंदा एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। उनकी अख दा खुमार की दसां। ते जे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन दे ताजदार दा नौकर ते मौलाना मुहम्मद यार फरीदी दी जुबान च दसां। ते आ फरमांदे ने दो अबरू यार दे खमदार समझन वाले समझण वा पढ़ चलिया दो अबरू यार दे खमदार दो अबरू यार दे खमदार तिखी तलवार जो हर दार दो अबरू यार दे खमदार क्या लगा अच्छा। हबीब उठ के टुर पिया ते कहन लगा जे फिर बुलाना नहीं ते मैनू क्यों बुलाया जी। सारे चौधरियां पकड़ के बिठाया आख्या चल गल तो सुनना। अबू जहल नूं आख्या एक बारी ते मुहम्मद नूं बुलाना ही पवेगा जी। एक बारी ते मुहम्मद नूं बुलाना पवेगा। अबू जहल ने हजूर नूं पैगाम भेजा जरा मेरी हवेली ते आया जे नबी पाक टुर पे ना ते अबू जहल इधर पता की कहन लगा खबरदार अज मुहम्मद आमन ते कोई उठ के खड़ा ना होवे कयाम ना करे कोई कयाम ना करे। तुसी जुमे तो बाद अज पढ़िया होवेगा ना कयाम करके ते मुस्तफा जाने रहम
मुस्तफा जाने रहमत हजरत जी कई बेली कहते ने नहीं जी खलो के सलाम पढ़ना कितने लिखे कयाम क्यों कर दे नबी दे अदब उठ के क्यों खड़े कहते ना किसी के अदब उठ के नहीं खलोई शरीय च मना है पता चलिया मना करने वाले भी बड़े पुराने ने अबू जाल भी कह रहा कोई उठे ना अज मुहम्मद ने उन्हें कोई उठे ना अल्लाह फरमा जिबरील जी मौला आख्या एक कहता यार आवे तो उठना नहीं तो मौला हुक्म की अल्लाह फरमा फरिश्तिया की फौज ले जा एक एक चौधरी के सिर से एक एक फरिश्ता खड़ा कर आप तो खलो जा अबू जाल के सिर से या अल्लाह करना की है फरमा जो ही मेरा यार कदम रखे ना पहला हवेली बेच दे कन्ना तो फड़के सारे खड़े कर दे जेड़ा मेरे यार दा अदब इंज ना करेगा सी इंज करा लवांगे जिबरील फौज लैके ना फरिश्तिया दी आ गए हुण मैं इत्थे मिठी जिही गल सुनावां हाफिज अली रिजवान चौराही साहब ख्याल साहब जदो भी कदे आया ना जो अबू जाल मेरे नबी दे मुकाबले ते विच जिबरील जरूर आया छोटी जी मैदान बदर च अबू जाल 1000 पहलवान लेके आया नबी पाक 313 फकीर लेके तुर पे वो जो मक्के वालों आ रहे ना सिर तू लैके पैर तक लोहे के लिबास लदे आए तो आ जो मदीने तुरे ना वो टुटे फुटे कपड़े पा के ना फटे पुराने तो तुर पे मदीने विचो वो जो मक्के चो आए शराब के कबाब के नशे चारे आ जो मदीने तुरे 17वां रोजा दो पत्थर पेट से बन के तुर पे वो जो मक्के आ रहे वो किसी ने तलवार किसी नेजा किसी डाल किसी बाला पकड़िया तो आ जो मदीने तुर पे ना वो मदीने खजूर दियां टुटियां टहनियां लैके तुर ना तेगो तीर पर तकिया ना नेजे पर ना भाले पर भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर वो यार दे सहारे आ गए जदो आए ना मक्का तुल मुकरमा च निकल के मैदान बदर च ते हुजूर ने एक नजर उधर ते एक इधर मारी ते हुजूर ने देखा उधर 1313 मेरे नबी सजदे च सिर रख के रो पे कौन है दिवाली रो पे आला दिवाली ने रो के अर्ज की थी या अल्लाह मैं पत्थर खा के 313 बनाए ने सरकार दी कमली कंदियां तो डिग पई हजरत सिद्दीक अकबर ने आके जप मारिया अर्ज की सुन रोना ओवे खल्ला दी मदद आ गई आवाज चली मेरे नबी फरमाया कौन है आवाज आई इसराफील 1000 फरिश्ता लेके आया ठंडी जी आवाज चली फरमाया कौन है आख्या मिकाईल 3000 फरिश्ता लेके आया ठंडी जी हवा चली फरमाया कौन है आख्या जिब्राइल 5000 फरिश्ता लेके आया ठंडी जी आवाज चली फरमाया कौन है आख्या इजराइल मलकुल मौत आया मेरे नबी उठ के फरमा तू किधर आया तू ते जाना लेना मैं लगा कमली वालिया बाकी इधर आए ने मैं उधर आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाकी इधर मैं गवांडियां वाला बाकी इधर मैं गवांडियां वाला आया बिस्मिल्लाह मेरे लिए क्या ईमान आख्या सोने जद भी तेरे गुलामा दे वेड़े आया सलामी करनी आवांगा वेड़े उजाड़न तेरे दुश्मन दे आया करांगा हाय हाय जिबरील विच जरूर आया आज भी जिबरील आया जदों मेरे नबी टुरे टुरे खरामा खरामा आए ना अजे पहले ही कदम मुबारक मेरे नबी अबू जाल दी हवेली रखे ते अबू जाल गल गा उठे कोई ना पर हुजूर पहले ही कदम रखे ते सब तो पहले अबू जाल ओदे वल वेख के सारे चौधरी उठ के खलो गए मेरे नबी खरामा खरामा टुरे टुरे आके ना अपनी मसनत आके बैठ के हजूर ने बड़े रोबदार नबूवत वाले रोब ना हजूर ने फरमाया बह जाओ सारे बैठ गए थे अबू जाल जब भी खड़ा हजूर ने फरमाया तू भी बह जा जिबरील कान छोड़े थे अबू जाल डिग गया थे हबीब को नहीं मार के कहना की होया कहना पता नहीं लगा बड़ी की पता ही नहीं लगे की बनी है हाय हाय कौन आंदे वाली बैठे ना ते हबीब वाले के मेरे नबी ने फरमा मैनू क्यों बुलाया हबीब कह लगा जी मैं बुलाया हुजूर ने फरमा क्यों कह लगा तुहाडा दावा की है फरमाया मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया ओ वहदहु ला शरीक हबीब कह लगा तुहाडा दावा तुसी नबी हो ते अबू जान मेरा बचपन दा यार है ई कहंदा तुसी माज़ अल्लाह जादूगर हो
मैं तो हाड़े को दो सवाल पूछांगा, जो तुसी जवाब दे दो तो मैं समझ जावांगा तुसी नबी हो। नबी करीम ने फरमा सवाल करो। मैं लफ्ज़े शाहिदा पढ़िया सी तो मैं तर्जमानी करन लगा, तशरीह कर रहा। कह लगा दो सवाल करांगा, फरमा पूछो। कह लगा एक शर्त है, फरमा शर्त बयान करोगे। कह लगा शर्त है वे कि पहला सवाल मैं करांगा, जवाब तुसी देवो, दूसरा सवाल भी तुसी दसोगे कि मैं की पूछना चाहना, ते जवाब भी तुसी देवोगे। नबी करीम ने फरमा सानू ये भी मंजूर है। पहला सवाल कर हबीब, क्या लगा के तुसी कहंदे हो मैं नबी हां, ते अबू जहल कहंदा जादूगर हो, जादू जमीन ते चलदा आसमान ते नहीं चलदा। अगर तुसी नबी हो ते कोई आसमान वाला मौजजा दिखाओ ताकि अबू जहल कह ही ना सके कि तुसी जादूगर हो। सैयद आलम ने फरमाया मैं मौजजे लेके नहीं आया, मैं बन के ही मौजजा आया, तो अपनी मर्जी दा मग मैं उवें ते गुखा देना। कोई नबी एक मौजदा को दो को तीन चार पाँच छः सात अठ नौ। हजरत मुफ्ती अहमद यार खानी में फरमाते हैं हजरत मूसा सब तो ज्यादा नौ मौजदे लगे आए। जब कौम ने पूछा उन्होंने मौजदा जो कोई ना कोई वखा देता, पर जब आई ना मदनी की वारी तो उन्हें आख्या मौजदा वखा, तो मेरे करीम ने फरमाया मैं कोई लैके तो नहीं आया कि एक दो वखावा, तुम अपनी अपनी मर्जी का मंग ही जाओ, असं वखा ही जाने। हबीब कह लगा कद चन्न तोड़ के वखा दो ना। सुभान अल्लाह। इमाम खरपोती फरमाते ने कि उस वेले रात नहीं दिन सी, सामने सूरज पे चमकदा, तो उन्हें इन्हें आख्या सूरज तोड़ दो, कहता चन्न तोड़ के वखाओ, क्योंकि हबीब बड़ा सियाना सी, उन्हें आख्या पहले चन्न की जगह सूरज है, इनू पहले तो गुरूब करो, फिर ये रात दिन की जगह रात लियो, फिर चन्न लियो, फिर उन्हों तोड़ो। तो नबी पाक ने भी यही फरमाया चलो ठीक है रात होगी चन्न आएगा तोड़ देवे। नबी पाक ने फरमाया चलो उठो आओ तोड़िए, आओ तोड़िए। उठ के मेरे नबी टुर पे, हबीब ना टुरे, अबू जाल अबू लाब उतबा उतैबा शहबा अखनस बिन शरीक उमैया बिन खलब सारे काफिर टुरे ना। अबू जाल दा चेहरा लट गया, हबीब को नहीं मार के कहन लगा तेनू की होया, ते अबू जाल कहन लगा तेनू नहीं पता इन्हे कह दिता इन्हे तोड़ देना, आज चन्न टुटे टुटे इन्हे आज तोड़ देना। अबू जाल कहन लगा इन्हे कह दिता इन्हे तोड़ देना। दो तरह की रिवायत मैं पढ़ी, एक के नबी पाक मुकामे सफा सफा पहाड़ी ते ले आए, दूसरी पढ़ी के मुकामे मीना ते लागे हजूर सामने सूरज पे चमके, शेखपुरे दे सुन्नी मामा दे हजूर पुत्रो ये इंज करके मेरे नबी इशारा किया तो सूरज गुरूब हो गया, दिन रात हो गई। इमाम खरपोती फरमाते ने कुदरती मामला वो रात भी चौदहवीं सी, ओ सामने चौदहवीं रात का चन्न पे चमके। नबी पाक एक बारी चन्न वल एक बारी हबीब वल वेखे ते हजूर फरमाते ने हबीब तोड़ देवा, कहंदा तोड़ दियो ए सुभान अल्लाह। उंगली नहीं मारी, उंगली दा नाखन नहीं मारिया, उंगली दे नाखन दा इशारा कीता ते चंद हो गए दो टोटे। एक पहाड़ दे इस तरफ चंद दा टुकड़ा ते एक इस तरफ। नबी पाक ने वेख के ते फरमाया हबीब ओ वेखना मुहम्मद ने चंद तोड़ दिता है। एक एक काफिर का नाम लेके फरदूर ने फरमाया फुला इबने फुला फुला इबने फुला फुला इबने फुला ओ वेखो मुहम्मद ने चन्न तोड़ दिता। अबू जहल का चेहरा लटक गया, हबीब वेख के कहंदा कदे जोड़ नहीं देंदे। नबी पाक ने ए इंज कीता ते चन्न जुड़ भी गया, ते चन्न विच आवाज़ आई कमली वाली अज तोड़न ते जोड़न दीआं गल्लां करदे ने, इन्हां नूं की पता आवे जदों हलीमा दे पंगूड़े च उंगली हिलांदा रे मैं ते उदों नचदा रे। थोड़ी देर खेल के तोड़ दे ना, ते मां डांट के कहती है तेरे अबू ने इतना महंगा खिलौना लिया तू तोड़ भी दिता है, ते बाप कहता फिर क्यों तोड़ दिता तू ना इन डांटी मैं होर ले देवगा, मैं जे इन्हें तोड़ दिता तो है भी तो ओदा ही सी ना, है भी तो ओदा ही सी ना। साढ़े बच्चे मिट्टी के बने बशर, साढ़े खिलौने भी मिट्टी के लोहे दे इलेक्ट्रॉनिक। मेरा नबी नूर है ना, तो रब ने खिलौना भी नूर दा दिता है। जदों हलीमा दे दिल करता खेड लैंदा घर में, तो जदों दिल करता तोड़ देंदा है, उत्तों आवाज़ आती है भावें खेड भावें तोड़ है ते तेरा ही। वो कदे खेड लैंदा कदे तोड़ देंदा है, ते ओदा ही ना खिलौना जो ओदा ही होया। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हज़रत ने फरमाया क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चंद मैं सारा सुना के जावांगा जिते मैं शुरू होया,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾ ਫਜਰ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਲੀਮਾ ਦੀ ਲੋਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ चन टुट गया जुड़ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा हबीब हूँ दूसरा सवाल क्या लगा शर्त के मुताबिक सवाल भी दसो तो जवाब भी दो वाली ने फरमाया हबीब तेरा सवाल यमन च तेरी एक बेटी है तेनों अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार है फरमाया तेरी बेटी अखा तू नबी नी जुबान दी गूंगी है कन्ना दी डरी है तेरी बच्ची नु फालज हो गया है फरमाया तेरा ख्याल है तेरी बेटी नु अल्लाह शिफा दे दे वे फरमाया जा हबीब अल्लाह ने तेरी बेटी नु शिफावां दे दित्तियां ने हबीब कदम पड़ के कहन लगा सुनया कलमा पढ़ा अंदरों आवाजा पियां आउंदियां ने जेड़ा मक्के बह के यमन दियां सच्चियां दस दे ओ फरशां ते बह के अरशां दियां भी सच्चियां दस दा है हबीब कलमा पढ़ के यमन आया उन्हें दरवाजा खड़काया बेटी दी आवाज आई बाबा मैं पियोनी बेटी ने दरवाजा खोलिया नाले मुहम्मद कलमा पढ़ दी है सीने लांगे कहन लगा बेटी ऐसी बाबा किवें मिली एक कलमा किने पढ़ाया कहन लगी बाबा एक सोनी शक्ल वाला आया उन्हें हाथ फेरे सी बाबा मिल गई उन्हें आख्या बेटी मैं अल्लाह दा या आखरी नबी तेरे बाप ने कलमा पढ़ लिया तू भी पढ़ ले सीने लांगे कहन लगा बेटी मैं बड़े नसीबा वाला मैं नबी नु वेख के कलमा पढ़ के आया कह लगी बाबा मैं तेरे नालों बहुती नसीबा वाली हाँ तू ते जा के कलमा पढ़ के आया मैनू आके पढ़ा के गए तू जा के पढ़िया मैनू आके पढ़ा गए हबीब ने उसे वाली मक्के वाले मुंह किया ते हाथ जोड़ के कहंदा वाह वाह शान मुहम्मद तेरे वाह वाह रुतबे तेरे बैठा विच मक्के दे होमे हाथ यमन विच फेरे इरामी कदर हजरात फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा फरमाया सोनिया सा तेनू हाजिर नाजर बना के भेजे तू ओथे भी है ओ मिलाद वाले रसूल दा मिलाद मनाना है जड़ा हर वेले सानू अपनी निगाह च रखदा है माही ग्रामी कदर हजरात इन्ना अरसलना का शाहिदा फरमाया सुनिया सा तेनू हाजिर नाजिर ते गवाह बना के भेजा वा सिराज मुनीरा आखिर ते फरमाया चमकन ते चमकान वाला सूरज अम्मा हलीमा जो लैके गई ना हजूर नू घर तवज्जो है जी बस आखिरी दो चार गल्लां सुनाई इत्थे बस अम्मा हलीमा जो घर लैके गई ना ते अम्मा हलीमा कोल सत बकरियां सन किनिया सारे बोल किनिया आला हजरत दे वालिद फरमांदे ने मौलाना नकी अली रहमतुल्लाह अलैह के दुध एक भी नहीं सी देंदी हजूर आए ते 700 बकरियां हो गई पहले एक दुध नहीं देंदी हुण एक ही इन्ना दे देंदी है बर्तन मुक जांदे ने बकरी चो दुध ही नहीं मुकदा इमाम इबने हिशाम ने लिखा कि आन गवाड़ दी औरत अपने बच्चों नु मार मार के कहंदियां वे बकरियां उथे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने तो रो के बच्चे मामा नु कहंदे ने अम्मा उथे ही चारने आ फर्क इना तेरियां बकरियां मैं चारना हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है आला हजरत दे वालिद फरमांदे ने अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवांडन सी ना हमसाई सी अम्मा हलीमा दी सखी भैन सी उन्हां दा नाम सी हजरत खौला सादिया एक दिन हजरत खौला सादिया अम्मा हलीमा सादिया को लाइयां ते कहन लगियां सादिया बाजी तू बड़ी अमीर हो गई है आपने फरमाया किवें कहन लगी तेरे कोल ते इन्ने पैसे नहीं सन होंदे कि रात नूं दीवे च तेल पा के बाले अज जिस दिन तां मक्कियों आई हैं सारी रात दीवा बाली रखनी है ते अम्मा हलीमा हजूर दे चेहरे तों कपड़ा चाह के फरमांदियां खौला जदों दा मुहम्मद आया मैं दीवे कदे बाले आई नहीं मैं दीवा ही बालना छड़ दिता है सिराज मुनीरा दे चेहरे दा नूर है नौजवानों अम्मा हलीमा फिर हजूर दे ओ ओ ओ मौजज़ात वेखे आप फरमा दी एक दिन मैं पंगूड़ा दीवार दे नाल लगाया ते अचानक मैं वेख्या मेरी निगाह पई ते दीवार पंगूड़े ते डिगण लगी अम्मा हलीमा कहंदी मेरा कलेजा कंब गया दौड़ के अम्मा हलीमा जाके ना फजी इंज करके पंगूड़ा खिंच के इधर कीता ते दीवार सीधी हो गई ते दीवार चों आवाज़ आई मैं कोई डिगण लगी सा मैं ते साया करन लगी सा वाह हलीमा तेरे नसीबे तू सदके जावा अम्मा हलीमा फरमा दियां बकरियां 700 हो गई एक दिन बकरियां चर के आईया ते अम्मा हलीमा ना गोद च लैके ना नबी पाक नु दरवाजे च बैठिया दरवाजे च बैठिया ते सामने ना 14वीं रात दा चन पिया चमके ते अम्मा हलीमा कदे चन वल वेखे ते कदे चन वल वेखे कदे हलीमा चन आहे अबरार नू
कदे वेखे चन वाले कदे वेखे सरकार बकरियां चर के आए थे देखे कि सफेद रंग की बकरी जिदे च एक बाल भी काला नहीं बड़ी खूबसूरत नाजुक जी बकरी अम्मा लीमा फरमा दी शीमा अलीमा दी बड़ी बेटी हजूर दी बाजी अनीसा छोटी बेटी अब्दुल्ला छोटा बेटा सारे बच्चे कट्ठे करके ना ते अम्मा हलीमा फरमा दिया ओ जड़ी बकरी है ना ये मेरे मुहम्मद दी बकरी है जिस दिन बकरी लाई ना मैं सोने दे नामे ओदे ते नखरे वेखण वाले उन्हें एवं पिया खुश रहना मैं सोने दिया मैं सोने दिया अम्मा आशा सिद्दीका भी फरमा दिया ना कि साढ़े बेड़े एक बकरी सी हजूर आते सर ना घर तो उन्हें चुप करके नुकरे चुप करके बैठे रहना जब हजूर ने बाहर जाना तो उन्हें कदे इधर छलांगा मारनिया कदे उधर छलांगा मारनिया फुकाहा फरमा दे हजूर के अदब च खड़ी रहती सी पर आशिक पता की कहते हैं अदब तो जरा करती सी जो हजूर आते सर ना तो वह उ बैठ के तकती रही जब हजूर चले जाने तो उन्हें कदे इधर हजूर ढूंढद फिरना कदे उधर हजूर ढूंढद फिरना हाँ वो बड़ा लंबा हो जाए कद इंशाल्लाह आए थे हलीमा फरमा दिया गोच लैके बैठी तो शाम को बकरियां चर के आईया ना वो बकरियां तो जिहड़ी बकरी गुजरे हजूर नू सजदा करे वाड़े च सजदा करे वाड़े च सजदा करे वाड़े च जी अच्छा 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 आ फरमा दी सारिया बकरियां सजदा करने वाड़े च पर जो ओ आई ना उन्होंने मान सी मैं सोने दियाँ वो सजदा करके ना ते हजूर दे कदम ते बोसा देन लगी अम्मा फरमा दी मैं डर गई जानवर है किधरे बच्चे नुकसान ना देवे अम्मा लीमा बकरी नु इस तरह धक्का मारे ना ते बकरी डिग पई ते डिग के उठी ते उठ के टुर पई ते नाले टुरी जावे ते नाले आखे धक्के ना मार तेरा ही नहीं साडा भी रसूल है साडा भी रसूल है वाह हलीमा मैं तेरे नसीबे तो सदके जावा अम्मा हलीमा फिर फरमा दिया एक दिन ना मैं काम पे करा अच्छा हजूर दी जो 3 महीने उम्र मुबारक थी ना 3 महीने ते नबी पाक चीज़ा पकड़ के टुरदे सन 6 महीने की उम्र हुई तो हजूर ना टुरदे सन 9 महीने की उम्र हजूर तीर अंदाजी करते सन साडा बच्चा 9 साल का हो जाता तो माँ कहती आसी साहब दम कर दे होश ही नहीं आती वाह मदीने वाले तेरी होश तो सदके जावा 9 महीने की उम्र है तो तीर अंदाजी करते हैं मुझे हाफ जी मेरा दिल कहता है कि अम्मा लीमा जो बिठा के कदम पूछा तो होगा ये पंगूड़े की उम्र है तो तुम दौड़ते फिरते हो तो एडिया भी कादियाँ कालिया ने आख्या अम्मा जी पिछले नबियां अल्लाह ने 1000 साल उम्र दी सानू तो उम्र भी 63 साल जारी दी वो हुक्म है 40 साल नबूत का ऐलान भी नहीं करना पिछले रह गए 23 साल उन्होंने 23 साल रातां जाके रब ना गल्लां करनियां दिने अबू बकर सिद्दीक अकबर बनाना है उमर फरूक आजम करना उस्मान गनी बनाना है अली हैदर करार करना है बिलाल काबे की छत चढ़ाना बेजदार नू अबू जर भी करना है वेला थोड़ा जहा असा को पंगूड़े जी नहीं ना लेटे मुझे आशा ते भी आख्या रब ने आख्या है सोने जल्दी जल्दी जवान हो मैं तेरी जवानी दी कसम चुकनिया ने ते कोई मिसल ना जाने दे कोई मिसल ना जाने दे रब आप कसम खावे उदी चढ़दी जवानी अम्मा हलीमा फरमा दी अजे 6 महीने तक उम्र नहीं पहुंची 3 महीने की उम्र है तो मैं घर का काम भी करा तो मैं देखा नबी पाक ना अचानक एक हाथ जमीन ते एक दीवार ना लगाए तो हजूर उठ के खड़े हो रहे अम्मा कहती मेरा कलेजा कम गया किधर डिग ना जा मैं कम छड़ के दौड़ी फरमा दी मैं हजूर नु पकड़न लगी ना तो सरकार टुर पे अच्छा इंज करो अज जो घर जाओगे ना हूँ तो सुबह बैठ के ना अपनी अपनी अम्मी जान को अम्मी ने आख्या जी अम्मी जी जो मैं पहले दिन टुरया सा तुम्हें की होया मां मत्था चुम के आख्या जी पुत्रा जो पहले दिन पुत्र टुरते तो बोलते हैं ना उस दिन मामा के चा ही वखरे आते हैं मावा उस दिन मिठाइया वंडदिया वो मावा अपनी माँ को फोन कर दियाँ ते अम्मी कहती अज मेरा मिठू बोलिया अज मेरा पप्पू बोलिया है वो मामा तारीखा लिख के रख लेंदी उस दिन मामा पुत्रां दे सदके दे दी अज मेरा पुत्र टुरिया है अज मेरा पुत्र बोलिया है हुण सची दा तेरे वेड़ा तेरा पुत्र बोले चा चढ़दे ने ते वेड़ा हलीमा दा होवे टुरदा कमली वाला होवे खबर अम्मा हलीमा नु किवें दे चा चढ़े होणगे अम्मा हलीमा उस वेले तोड़ के हजूर नु पकड़ के उठा के ना एक अरबी दी लोरी सुनाई हजरत पीर हैदर शाह ताजदार किरतो शरीफ चूरा शरीफ दे अजीम खलीफा आपने ना उस पंजाबी विच ना उस अरबी दी लोरी दा तर्जमा किया आखो सुनावा ते फिर चलिए भाई सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह
जिदी मां अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पाले चुप रवे जिदी मां दरूद दिया लोरिया ते पाले ओ बोलो सुभान अल्लाह। अमाली मसीने लगा के फरमान लगिया वे पाकिया चला बालिया जरा हौली कदम उठाया करे बाकियां चाला पालिया जरा हौली कदम उठाया करें देखे लबेरी बोदर के तुम बार न खेडन जाया करे मथा चमके फरमा दिया ने बेदू चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी बेदू चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी के मैं भी मना के देख लवा कदे कदे रुस जाया करे वे मैं भी मना के वेख लवा तू कदे कदे रुस जाया करे